आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे चंपई सोरेन। राज्यपाल ने चंपई सोरेन को दिया है नोटा। बता दें कि 10 दिन में साबित करनी होगी बहुमत। 47 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं चंपई सोरेन। 10 दिन के अंदर उनको बहुमत साबित करनी होगी। बता दें कि 47 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। इस समय अजय कुमार पांडे हमारे साथ रांची से बने हुए हैं संवाददाता। तो अजय, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और कितने बजे शपथ ग्रहण होगी? देखिए, कल से लगातार जो है सियासी संकट के तौर पे गुजर रहा था झारखंड। और कल रात 11 बजे राज्यपाल ने सरकार बनाने का निमंत्रण भेज सौंपा है और कहा है कि आप अपने सुविधा अनुसार शुक्रवार को कभी भी आप शपथ ले सकते हैं। तो आज चूंकि कल रात में वो मिलने गए थे आलमगीर आलम, चंपई सोरेन और सत्यानंद भोक्ता, ये तीन विधायक जो थे वो राज्यपाल से मिलने के लिए गए थे। और उन्होंने कहा है कि वो 12 दिन का समय दिया है कि वो 12 दिन के अंदर अपनी बहुमत को सिद्ध करने का अवसर दिया है। जी, तो चंपई सोरेन के साथ ही कितने मंत्रियों के शपथ लेने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, अभी चंपई सोरेन के बाद लगभग मुझे लग रहा है कि 5 मंत्रियों का शपथ का अभी तक सूचना आ रही है, लेकिन पार्टी की ओर से यानी सुप्रियो की ओर से, जेएमएम की ओर से अभी आ रही है कि 3 ही मंत्री पद शपथ लेंगे। अजय, चंपई सोरेन को राज्यपाल ने बहुमत साबित करने के लिए 10 दिनों का वक्त दिया है, लेकिन निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया था और कल कहा था कि उनके पास बहुमत नहीं है। क्या लगता है कि चंपई सोरेन बहुमत साबित कर पाएंगे? जी बिल्कुल, अब तक जो कल की जो पैरेड हुई है, कल उन्हें राज्यपाल के साथ वो मिलने के लिए गए थे, तो लगभग उनके जो बहुमत जो सिद्ध करने के लिए जो विधायक होनी चाहिए वो लगभग उनके पास मौजूद रहे। तो ऐसे में जो उनकी बीजेपी की ओर से दावा जो की जा रही है, ये अब तक तो उस पर नहीं बहुत ज्यादा ये किया जा सकता है, दावा किया जा सकता है, लेकिन अब तक जो सरकार के पास जो बहुमत है वो अब तक सिद्ध करने के लिए यानी सरकार बनाने के लिए ये तय है। लेकिन देखिए, इसमें एक घटना हो सकती थी, जो कि 12 दिन का जो समय बहुमत सिद्ध करने का जो दिया है, तो वैसे में जो अभी अंदर रात में भी चल रही थी ये बात की 2 ड्यूटी सीएम बनने की सूचनाएं मिली थी, मतलब एक कांग्रेस से और एक जेएमएम से भी डिप्टी सीएम की बात आई है। अब कई मंत्रियों का भी फेरबदल होना है, कांग्रेस में फेरबदल होना है, जेएमएम में फेरबदल होना, ये पूरी घटनाक्रम अभी लगातार कुछ चलती रहेगी। अब जब तक सरकार पूरी तरीके से ये पूरी समझन के साथ अपने दोनों पार्टियां जो कि जेएमएम भी है उसके साथ बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है बड़ी पार्टी है, अब दोनों को समझन करके ही आगे की जो रणनीति तय की जाएगी, और तब तक के लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा। अजय, सूत्र ये भी कह रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम शपथ ले सकते हैं, क्या कहना है इसमें आपका? जी बिल्कुल, ये बात कल भी आई थी कि 2 डिप्टी सीएम, एक कांग्रेस कोटे से डिप्टी सीएम की बात हो रही है और एक जेएमएम से डिप्टी सीएम की बात हो रही है। अब ये डिप्टी सीएम कौन होंगे ये अब तक पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन जो अटकली आ रही है, जो सामने सूत्रों के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं कि आलमगीर आलम जो होंगे वो डिप्टी सीएम के दावेदार होंगे, और जेएमएम से अब तक नाम सामने नहीं आ रहा है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये या तो कल्पना सोरेन होंगे या फिर बसंत सोरेन भी उस शामिल हो सकते हैं कैबिनेट के मंत्रियों में। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका।